आईपीएल में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला रहा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन रजा और शाहरुख खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने अपनी टीम को हारे हुए मुकाबले में भी जीत दिला दी और केएल राहुल की उम्मीदों को चकनचूर भी कर दिया। तो वहीं पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी राहुल पर खुद बड़ा बयान जारी करते हुए बेहद होश उड़ाने वाली बात कह दी है। प्रीति जिंटा जीत के बाद इतनी ज्यादा खुश दिखाई दी कि उन्होंने राहुल पर जमकर निशाना साधा। आईपीएल का 21वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच था। शिखर धवन टीम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए सैम करन टीम के कप्तान थे। टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। काइल मेयर्स और केएल राहुल की जोड़ी शुरुआत में काफी अच्छा खेल दिखा रही थी। दोनों ने बिना विकेट खोए 50 का आंकड़ा पार कर दिया था। उसके बाद मेयर्स 29 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद तो विकेट का तांता सा लग गया। दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर आउट हुए तो कुणाल पांडे 18 रन बना सके, लेकिन एक छोर से केएल राहुल चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे। थोड़ा सा स्टोइनिस का साथ जरूर मिला, लेकिन स्टोइनिस ने 15 रन बनाए जिसमें 2 छक्के भी लगाए, लेकिन राहुल 56 गेंदों में 74 रनों की पारी खेल गए जिसमें 8 चौके और 1 छक्का भी शामिल था और अपनी टीम को 159 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का ये मामला राहुल ने पूरा कर दिया था। लक्ष्य कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन राहुल की कप्तानी भी इस मुकाबले में शानदार रही। बल्लेबाजी पर आए पहले ओवर में 0 के स्कोर पर आवेश खान को अपना कैच दे बैठे। लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिल चुकी थी और उसके बाद अगले ओवर में प्रभ सिमरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को युद्धवीर सिंह ने 4 के स्कोर पर बोल्ड मार कर लगभग पंजाब किंग्स की टीम की कमर ही तोड़ दी थी। बल्लेबाजी कोई ज्यादा खास नहीं थी क्योंकि शिखर धवन जैसा अनुभवी खिलाड़ी भी बाहर था। मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर मौजूद थे। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी 34 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। 45 रन पर हो चुके थे 3 विकेट और उसके बाद सिकंदर रजा और भाटिया ने थोड़ी सी साझेदारी बनाई। दोनों ने टीम का स्कोर 75 रन तक पहुंचा दिया था। इस बीच भाटिया भी युद्धवीर सिंह को अपना कैच दे बैठे। अब मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हो गया था। बता दें कि 48 गेंदों में 78 रनों की जरूरत थी। सिकंदर रजा और सैम करन क्रीज पर थे, लेकिन उसके बाद सिकंदर रजा ने कुणाल पांड्या को अपना शिकार बनाया। एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े और उसके बाद एक शानदार चौका लगाकर लखनऊ की टीम के मुंह से लगभग इस मुकाबले को छीन ही लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ सैम करन ने भी अगले ओवर में शानदार शॉट लगाया, लेकिन तभी बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अब मुकाबले में और भी ज्यादा रोमांच पैदा हो चुका था। अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। आपको बता दें मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था। जितेश के विकेट के बाद शाहरुख खान जब क्रीज पर आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर अपने हौसले पूरी तरह से बुलंद कर दिए थे। 4 ओवर में 32 रनों की थी और उसके बाद शाहरुख ने अच्छे शॉट खेलते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। अंतिम 2 ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन मार्क वुड जैसे गेंदबाज पर भी छक्का लगाकर उन्होंने लगभग अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। अंतिम ओवर में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। शाहरुख खान ने 2 गेंदों में 2 रन भाग कर लिए और उसके बाद कवर के दिशा में चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। टीम की जीत से खुश प्रीति जिंटा ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने शाहरुख खान और रजा सिकंदर को जीत का असली हकदार बताया, लेकिन उन्होंने इस जीत के बाद केएल राहुल पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि केएल राहुल पहले भी पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे और मैंने उन्हें इसी वजह से रिलीज किया था क्योंकि वह क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। उन्हें टीम की हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें सिर्फ ऑरेंज कैप चाहिए होता था और इसलिए इतनी धीमी गति से बल्लेबाजी करते थे जिसकी वजह से एक बड़ा लक्ष्य नहीं बन पाता था। और यहाँ भी यही देखा गया, राहुल ने अपने तो 74 रन बना दिए लेकिन टीम एक बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। साधारण सा लक्ष्य था। शुरुआत में हमारी टीम के विकेट गिरने के बावजूद भी अंत में बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में जीत दिला दी। कहीं ना कहीं राहुल को अपने इस तरह के रवैये में बदलाव करने की जरूरत है। मैंने उनका रवैया पूरी तरह से समझ लिया था और उसके बाद ही मैंने अपनी टीम से उन्हें रिलीज किया, क्योंकि मैं ऐसे खिलाड़ियों पर इतने ज्यादा पैसे नहीं लगा सकती थी जो टीम की हार और जीत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेलता हो। इस तरह से प्रीति जिंटा ने जीत की खुशी में केएल राहुल पर निशाना साधते हुए जमकर उन्हें नीचे दिखाया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या प्रीति जिंटा ने ठीक भी कहा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्रिकेट की सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।